गौशाला में गौवंश की दुर्दशा, चारा पानी के अभाव में मर रही है गाय, सरकारी कर्मचारी उड़ा रहे मौत, मस्ती, मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट को अधिकारी लगा रहे पलीता। खबर कानपुर देहात से है। तहसील सिकंदर के बुधेड़ा गौशाला में वर्तमान समय में 32 गाय हैं, जिन्हें ना तो समय पर चारा मिलता है और न ही पानी चारा। पानी के अभाव में गौवंश आए दिन मौत के मुँह में जा रहा है। देखने में आया है कि सूखी कटिया बाजरी की पड़ी थी, सभी गाय कमजोर दिख रही थी। एक गाय बीमारी हालत में मौत का इंतजार कर रही थी। गांव के लोगों ने बताया कि सर्दी के मौसम में चारा पानी के अभाव में कई गायों की मौत हो चुकी है। कर्मचारी चुपके से मृत गायों को जेसीबी से खुदवा कर मिट्टी में करवा देती है। गायों को ना तो हरा चारा मिल रहा और न ही दाना चोकर खली मिल रही है। गाय सूखी बाशी कटिया खाकर अपना जीवन बिता रही है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान मिलकर शासन से आने वाले बजट को चमडकार रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने जिलाधिकारी नेहा जैन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से सीएम दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर्वेश। कहाँ रहते हैं आप? गोरी हसन रोड। इस गौशाला में आप देख रेख करते हैं? हाँ। अभी तक कितनी गायें हैं? 32 हैं। पूरे सीजन में कई गायें मरी? अभी तो डॉक्टर 2-3 मरी हैं साहब, सब शुरू फिर सीजन साल भरे में। अब वो डॉक्टर लेखा जो का डॉक्टर के पास है, डॉक्टर से पूछो और प्रधान से पूछो। दाना वगैरह और जो खली वगैरह नहीं इन्हें दी जाती है? दी जाता है। हरा चारा दिया जाता है? मौके पर तो नहीं दिख रहा है। मौके सामने जो खड़े हो आप, साहब के सामने, अब आपका फैमिली है, आपका सदर आलू तो है, पे जा दो।